अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राई। जी हाँ, वेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम अपने न्यूज़ की तरफ चलें, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम सबसे पहले करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कभी ट्रेड की बात की जा रही होती है, कभी लगता है कि दोनों में कोई 36 का आंकड़ा है तो कोई लड़ाई झगड़ा होने लगा है, और कभी लगता है अमन की बात की जा रही है। लेकिन आज बात थोड़ी डिफरेंट है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 2-3 दिन से बहुत हंगामा है पाकिस्तान में, नहीं लेकिन ऑफ कोर्स भारत में बहुत हंगामा है। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है किसी न्यूज की, और वो ये है कि जी पाकिस्तान से खातून जो है वो अपने 4 अदद बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई हैं, और उनके पास ना तो वीजा है ना ही जाहिर परमिशन है भारत जाने की। लेकिन बताया ये गया है कि जी वो पबजी कोई गेम होता है, मैंने तो कभी खेला नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, कई लोग हो सकता है खेलते हो। तो जी वो खेलते खेलते वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक इंडियन से, और दोनों में बातचीत शुरू हुई, और कहा ये जा रहा है कि फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर वो एक बार नेपाल गई है, वहां पर उनसे मुलाकात की, 6-7 दिन वो लोग साथ में रहे, उसके बाद वापस पाकिस्तान आ गई, उसके बाद फिर दोबारा अपने 4ों बच्चे समेटे, और पहले गई दुबई, दुबई से गई नेपाल, और नेपाल से पहुंची इंडिया, और इंडिया में भी जो है वो दिल्ली में वो लड़का रहता है जिसके पास इन्होंने जाना था। तो ये अपने 4ों बच्चों समेत भारत वहां तक पहुंच गई। बीच में इन्होंने कहा जा रहा है कि हॉटस्पॉट भी खरीदा, मोबाइल भी चेंज किए, मोबाइल की सिम्स भी चेंज की, पासपोर्ट भी बताया जा रहा है कि शायद एक से ज्यादा पासपोर्ट जो थे वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। हर चीज के लिए इन्होंने हाँ कर दी है, जो डॉक्यूमेंट्स कहे वो दिखा दिए। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा जो है ये आराम सुकून से दिल्ली में रह रही थी, और जो किराए का मकान था वो उनके साथी सचिन, उसका नाम बताया जाता है, उसने रेंट पे लिया, और जो मालिक मकान था उससे ये कहा कि जी हमने अपनी क्योंकि पसंद की शादी की है तो घर वाले हमें साथ नहीं रखना चाहते, तो इस वजह से हम अलग मकान ले रहे हैं। और इस तरह से करके बहरहाल मकान ले लिया, वहां पर रहते रहे, अड़ोस पड़ोस के लोगों से जिनसे जो नेबर्स थे उनसे बात की गई, तो उन्होंने ये कहा कि उनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी भी बोलती हैं, और उसके साथ सिंदूर भी लगा रही थी, साड़ी भी पहन रही थी, सब कुछ ऐसा जैसे कोई इंडियंस करते हैं उसी तरह से रहती रही। तो इसलिए लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं चला कि ये कोई इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। हुआ ये कि जब ये अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए पहुंची, और वहां पे जो लॉयर था उसको पता चला उनके आईडी कार्ड वगैरह देख के कि जी ये तो पाकिस्तानी है, तो सुना है कि वो लॉयर साहब जो थे वो 9 तो 11 हो गए। मगर बात सारी ये है कि ये 5 लोग यानी 4 अदद बच्चे, 4 बच्चे और एक ये खातून खुद ये पहुंच गए इंडिया, और 2 महीने तक आपकी इंटेलिजेंस यानी जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसको पता ही नहीं लगा। तो ये बात जरूर सोचने वाली है कि आप लोग आखिर इतने लापरवाह और इतने आराम सुकून से कैसे थे कि आपको कुछ पता ही नहीं लगा। इसका तो मतलब है कि हमारी नंबर 1 एजेंसी जब चाहे किसी को भी वहां भेज दे या जब चाहे पहुंच जाए, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा। जब आपको एक इन खातून का पता नहीं चला, इसका मतलब है ये रास्ता इन्होंने दिखा दिया कई लोगों को, और अब अगर कोई भी जाना चाहे भारत और उसको ऐसा लगे कि वीजा में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल यहाँ से जाए दुबई, दुबई से जाइए नेपाल, और नेपाल से निकल जाइए। तो इसी किस्म का कोई माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके बड़े इंटरव्यूज हो रहे हैं जी इंडियन टीवी पे, बार बार इनके इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं, इनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इनकी पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में एकदम खामोशी है। पाकिस्तान के मीडिया में यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल है, वहां पर कोई जिक्र फिक्र नहीं हो रहा है। और बात है कि बीबीसी तक ने जो है इसके ऊपर रिपोर्ट बना दी है, उन्होंने भी जो है वो एक तरह का पूरी डिटेल्स जो है आपको बीबीसी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे कोई बात नहीं हो रही। और हो सकता है उसका मेन रीजन यही रहा हो कि जाहिर है कि कोई पाकिस्तानी वहां पकड़ा गया है, तो इस वजह से हम कुछ नहीं कह रहे। अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में आया होता और उसको हमने अरेस्ट कर लिया होता तो यकीनन हमारे जो टीवी एंकर्स हैं और जो टीवी चैनल्स हैं वो चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने टीवी चैनल्स के जो कहते हैं ना छते उड़ा दी होती। लेकिन इस वक्त की उनके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है,
और इंडियन नहीं बल्कि कोई पाकिस्तानी है जो कि इंडिया में इलीगल तौर पे दाखिल हुआ है और वहां पे रह रही है, तो इस वजह से पाकिस्तानी चैनल्स जो कि अक्सर कहा ये जाता है कि भाई लोग के अंडर है, तो वो एकदम चुप करके बैठे हुए हैं। मगर देखते हैं कि जी ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन एक हम वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। हाँ जी, आ गई हूँ। ये थी वो साहिबा और ये उनके 4 अदद बच्चे आपको दिखाई दे रहे थे जो उनके साथ हैं और इंडिया में हैं, और अब उनका ये कहना है वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। वैसे किसी भी रिलीजन में, किसी भी देश में, किसी भी रिलीजन में जो पहले शादी होती है उसे डिवोर्स लिए बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो अब इनकी जो पहली शादी है उसके बारे में यही बताया गया है कि फिलहाल इनकी डिवोर्स नहीं हुई है। ये कराची की रहायशी है, कराची में रहा करती थी और कराची के इलाके मलीर में जो है इनका घर बताया जाता है। साथ ये भी कहा कि जी इनके पास कोई जमीन थी, प्लॉट था जो इन्होंने सेल कर दिया, उसके बाद वो पैसे वैसे लेकर और ये इस तरीके से जो है दुबई के रास्ते और नेपाल से होते हुए ये भारत पहुंच गई। अब वहां पर इनके काफी इंटरव्यूज हो रहे हैं, इनके जो हस्बैंड है इस वक्त पाकिस्तानी हस्बैंड यानी जो मौजूद है हस्बैंड, जाहिर है अभी तो वही हस्बैंड कहलाएंगे क्योंकि डिवोर्स नहीं हुई है। तो उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जी उनकी बीवी बच्चे उनको वापस किए जाएं। एक अजीब सा तमाशा है, एक अजीब सी नौटंकी है और समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। क्या सचमुच में इन दोनों यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी जो थे इनके बीच में वाकई में कोई ऐसी दोस्ती और प्यार का रिश्ता हो गया था जिसकी वजह से ये वहां गई है इस कदर मुश्किलें उठाकर, इतना पैसा खर्च करके और सारे के सारे बच्चे भी ले गए हैं? तो क्या वाकई में ऐसा है या कुछ और है, यानी कि दाल में कुछ काला है? मगर ये भी बताया जा रहा है कि जिस इलाके में ये गई हैं, जिस इंडियन के साथ इनकी दोस्ती थी और उसके साथ ये रह रही हैं और ये कहती हैं कि जी उसको अब अपना हस्बैंड बता रही हैं, तो उनके इलाके के यानी उनके घर के लोगों ने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है और उनका ये कहना है कि जी ये अब हमारी बहू है और इनको आप कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ टाइम पहले इनको अरेस्ट किया था लेकिन अब ये बेल के ऊपर आउट है, ये लोग सारे मतलब बाहर इनको छोड़ दिया गया है बेल पे, और अब इनसे ये कहा गया है कि जी आपने आके थाने में रिपोर्ट कराते रहनी है और आपने यहाँ से नहीं जाना। इनका कहना ये है कि जी इनकी जान खतरे में, अगर इनको वापस पाकिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन असल बात ये है कि क्या अगर इसी तरह से मजीद लोग पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी कंट्री से इलीगल तौर पे भारत पहुंचे तो क्या उनको भी इसी तरीके से भारत की गवर्नमेंट क्या रहने की इजाजत दे देगी या नहीं? और ये चीज कहाँ तक सच हो सकती है कि ये जो बता रही है उसी बात का भरोसा किया जाए, या फिर कहानी में कुछ और बात भी आ सकती है? खैर हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी उन सब कि मैं छूट गया, पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ, बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अच्छा राम जी का भी वीडियो वो ऐसे बकवास, उन्होंने कहा कि मेरे वापस लौटा दो, पहला गुहार लगाई। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाएगा क्योंकि कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। जी तो उनका कहना है कि जी उनके बच्चे अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं लेकिन वो जाएंगे नहीं, और अपने हस्बैंड के लिए वो कह रही क्यों बकवास कर। तो खैर कोई बात नहीं, जब हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं तो एक दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि बकवास करें, कोई खास बात नहीं है। लेकिन खैर देखते हैं कि इनके हस्बैंड क्या बता रहे हैं। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे वो पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको जहनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को जहनी मरीज बनाया गया उनको। हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से
मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मुझे, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्किन बंदा हूं, जोड़ के मैं शुक्र गुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मेरे मैं मिस्किन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्र गुजार हूं, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए, शुक्रिया। जी हाँ, तो ये थे जी सीमा इधर के हस्बैंड, जो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको वापस भेजा जाए, उनके बच्चों को वापस भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि अगर इस तरह के केसेस बढ़ते चले गए, यानी कि मुख्तलिफ जो यहाँ पर लड़कियां या औरतें किसी भी एज ग्रुप की, किसी भी तरह के फैमिली सेटअप की, उनकी दोस्तियां होने लग गई अगर इंडिया में या इवन पाकिस्तान में, और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ, और उनके साथ उन्होंने शादियां कर ली और मज़हब भी बदल दिया अपना, कहा जी आज से हम इस्लाम छोड़ रहे हैं अब से और हिंदू मज़हब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये सब कुछ कहना अगर शुरू कर दिया, एक रिवाज यहाँ पे भी ये पड़ गया कि यहाँ से भी जो है वो कई और लड़कियाँ, कई और औरतें जो हैं वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, बच्चे हों या बच्चे ना हों, और उन्होंने अगर इंडिया जाकर लोगों से शादियां करके वहां रहना शुरू कर दिया, या यहाँ पे कोई हिंदू कम्युनिटी के लड़कों के साथ शादी कर ली, तो यकीनन ये कहीं कर्मा तो नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हुआ करता है हिंदू बच्चियों के साथ, कि चाहे वो छोटी उम्र की बच्चियां हों, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो अनमैरिड हों, उनको जिस तरह से जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, जिस तरीके से उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, फिर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उनके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये और बात है कि इस केस में, सीमा हैदर के केस में, ना तो कोई उनको जबरदस्ती ले गया है, ना किसी ने जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया है, ना जबरदस्ती शादी की है, ना ही उनको जबरदस्ती उठा के कोई यहाँ से ले गया है, कि जो उनकी मर्जी के खिलाफ, बिल्कुल अपनी मर्जी से गई है और उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से ही सारा स्टेटमेंट दिया। जी, तो बहरहाल देखते हैं कि ये केस आगे किस तरह से चलता है, लेकिन क्या अगर इस तरह से पाकिस्तानी जाकर हिंदुस्तानियों के साथ शादी करना शुरू कर देंगे और रहना शुरू कर देंगे, तो क्या पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है, क्या वो सबको इजाजत देगी कि आप ठीक है, आप रह जाइए, और जिस जिसको भी इंडियंस के साथ प्यार हुआ है वो हिंदुस्तान आ सकता है, क्या ये बात सही रहेगी, क्या ऐसा होता हुआ हम देख रहे हैं, या फिर सीमा को वापस भेजा जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान। लेकिन सारी बात ये है कि ये जो कह रही है कि जिनको कोई पसंद आ गया था और इस वजह से ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई, इतने जुगाड़ लगा के, इतने रस्ते, तो हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं दूसरी कंट्रीज में, उनको भी नहीं पता था। अभी तक मैंने बात की इंडियन जर्नलिस्ट के साथ भी और पाकिस्तान में भी, कि उनको भी नहीं पता था कि हम दुबई जाकर नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से हम इंडिया जा सकते हैं, वो भी बगैर वीजा के, कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये चीजें तो हमें भी नहीं पता थी, लेकिन ये चीजें सीमा को पता थी, जो कि बड़ी हैरत की बात है कि जो एक सीधी साधी सी घरेलू सी खातून नजर आ रही है, मगर उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो बहर अल्लाह, क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या वो इसको, इस सारे इशू को किस तरह से हैंडल करती है और किस तरीके से सॉल्व करती है, क्या इनको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इनको वहीं पे रहने की इजाजत दे दी जाएगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग जाएंगे और इंडिया में जाके कह सकते हैं कि जी हमारी जान को खतरा है, अगर हम वापस गए तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, क्या उनको कहेंगे कि रुक जाओ। तो ये ऐसे बहुत से सवाल है, लेकिन साथ साथ सीमा के लिए भी एक सवाल है, वो ये कि भाई आप लीगल तरीके से भी जा सकती थी, आप अपने हस्बैंड से प्रॉपर डिवोर्स करती और उसके बाद आप सचिन के साथ शादी करती, दुबई में जाके आप शादी रजिस्टर करवा सकती थी और उसके बाद आप वहां से अप्लाई कर सकती थी कि मुझे जी या उनको जैसे कि इंडिया जाना है, और बड़ी आसानी से ये चीज की जा सकती थी लीगल तरीके से, एक कानूनी तरीके से, जो कि करना चाहिए था। तो फिर आखिर उन्होंने ये इलीगल तरीका क्यों अपनाया और अब उनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि उनके आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ अभी तो फिलहाल पाकिस्तान का ही है, लेकिन देखते हैं
नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो क्या फैसला करती है, किस तरह से करती है, क्योंकि जो भी फैसला करेंगे वो आने वाला फ्यूचर जो है वो फ्यूचर जो है उनका वो फैसला ही डिसाइड करेगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और क्या बाकी लोग भी जो यहाँ किसी ना किसी तरीके से इंडियंस के साथ बातचीत कर रहे हैं या कोई वीडियो गेम वगैरह जो गेम जो इंटरनेट पे गेम्स होते हैं वो खेल रहे हैं, क्या वो भी जा सकते हैं, क्या फिर एक तरीका बन जाएगा या फिर इस चीज को यहीं पे रोका जाएगा। वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं और चाहे वो एक हो या चार हो, मेरा ख्याल है कि फिर बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आई डोंट नो कि इनके जो बच्चे हैं वो कितने डिस्टर्ब हुए होंगे, वैसे तो खैर इंटरव्यूज में कह रही हैं कि जी बच्चे जो हैं वो सचिन साहब को जो है वो पापा कहना शुरू हो गए, वैसे बच्चे भी अजीब ही, मतलब उन्होंने दो दिन में पापा बदल लिए, लेकिन मतलब पापा ना हो गए हमारे, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जी आरबी चीफ जो है कौम का बाप होता है, तो वो तो चलो हम 3 साल के बाद कौम का बाप बदल देते हैं, लेकिन बच्चों का बाप तो एक ही होता है और मेरा ख्याल है कि उसी को पापा कहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी उसकी, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप लोगों को बता ही दूं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और जी मौलाना फजलुर रहमान, जी हाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना ये है कि जनरल फैज हमीद ने उनको चेयरमैन सैनेट बनने की ऑफर की थी जो उन्होंने मना कर दी। जी हाँ जनरल फैज हमीद यही वो पिछवाड़े वाले, जी 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 वो जिनकी बीवी का निशाना बहुत खराब है और उन्होंने गोली मारी थी पिछवाड़े में, छोड़े जी इस बात को, हमें क्या किसी के घर के मामले को बाहर चौक पे आकर डिस्कस नहीं किया करते, तो इसलिए आप लोग इस किस्म की बातें मेरे साथ मत किया करें, तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो, एडिट कर देना ये। खैर तो मैं आपको बता रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना ये है कि जी जनरल फैज ने जो है वो कहा था कि जी आप चेयरमैन सैनेट बन जाएं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब उसकी क्या वजह हो सकती है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल फिलहाल उन्होंने यही बताया है। बात हम करेंगे एजाजुल हक साहब की। जी हाँ एजाजुल हक साहब जो कि जाउल हक साहब के बेटे हैं, जनरल जाउल हक डिक्टेटर पाकिस्तान का जो बुरा हाल है वो इन्हीं की वजह से, वैसे तो यानी इनके अब्बा की वजह से। जी हाँ तो जी एजाजुल हक साहब जो है उनके ऊपर तकरीबन 1 अरब यानी 1,080,00,000,000 रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चलना शुरू हुआ है, उसमें इनका नाम जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है और अब इनको थोड़े से चक्कर अदालत के लगाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, यानी कि 1,080,00,000,000 रुपीज जो है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और नाम आ रहा है जी एजाजुल हक साहब का जो कि जाउल हक साहब के बेटे हैं। मगर देखते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज को ठीक करते हैं या उसमें से निकल तो जाते हैं, हमारे बड़े लोग जो है वो हर तरह के केसेस से निकल जाते हैं। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं ना जिन्होंने मोटरबाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनी है, या फिर ये के छोटी गाड़ी वाले जिन्होंने इंडिकेटर कहीं का देखा और कहीं निकल गए, तो या इस किस्म की छोटी मोटी जो बातें होती है ना उन लोगों को पकड़ के नहीं छोड़ते, लेकिन ये जो अरबपति खरबपति चोरियां करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये सब केसेस में से निकल आते हैं। बात हम करेंगे आर्मी चीफ की। जी हाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है कि 1 साल में इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें करने वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जी हाँ सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 1 साल में इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और मायूसी की बातें करने वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये कहना है जनरल आसिफ मुनीर साहब का। लेकिन आसिफ मुनीर साहब, जनरल साहब आपने ये नहीं बताया कि किसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी 1 साल में, मतलब कंट्री का तो आपने नाम ही नहीं लिया। अब आप पता नहीं मुझे कि किसकी बात कर रहे हैं और किसकी इकोनॉमी आप कह रहे हैं कि 1 साल में ठीक हो जाएगी। अगर आप अपने साथियों की बात कर रहे हैं, अपने जो आपके फौजी हमारे आसिम मुनीर या आपका नाम भी आसिम है ना, वो एक और थे ना आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ अगर आप आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं या उन्हीं जैसे दूसरों का नाम ले रहे हैं तो सर उनकी इकोनॉमी तो वैसे भी ठीक है। अब अगर आप और मजीद ठीक करने की कोशिशों में है तो खैर वो हम क्या कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पर यहाँ से हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो चलो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर 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 तो सुन समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए, जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गुलाब जैसी आंखें उनकी। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, हमें तो सब चीजें चाहिए।
जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में, क्या ख्याल है? तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। हूरें इस कदर हयादार होंगी, इस कदर हयादार होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगी। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के सौ सौ मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे। जी तो ये हैं मौलाना जो क्या जबरदस्त बातें कर रहे हैं और इन लोगों को कोई शर्म बरम आती नहीं है और उसके बाद अगर कुछ कहा जाए तो फिर ये बुरी तरह से पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जी एक मौलाना साहब की और हम आपको बात सुनवाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे, लेकिन अफसोस की बात है कि जहाज वालों ने, पीआईए वालों ने आखिर में हमें मनहूस तरीन और शैतानी मेहमान नवाजी से, हमारी मेहमान नवाजी की यानी शीज़ान की वो शरबत जो है और जूस है वो दे दिया। हमने तो बाद में जब पहचाना तो शोर मचाया, लेकिन फिर भी अक्सर हाजियों ने ना पानी में और में उसको पिया था। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से भी बिलखसूस वजारती अवकाफ से ये मुतालिबा करते हैं कि पीआईए वालों से ये मुतालिबा करें कि क्योंकि ऐसा किया है, पहले भी ऐसा हुआ था मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। जी तो ये मौलाना साहब ये बता रहे थे कि ये हज करने गए थे और वहां से वापसी पे पीआईए यानी कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उन्होंने इनको शेजान कंपनी, ये देखिए जी ये शेजान कंपनी का जूस का पैकेट है या डब्बा है या बॉक्स है और ये उनको दे दिया। और ये जी अहमदिया जो हमारे यहाँ है उनके कंपनी का है और बड़ा जबरदस्त होता है, मैं खुद यही है, हमेशा मेरे घर में यही आता है शेजान, मैं शेजान के अलावा कोई दूसरी कंपनी का जो है वो जूस इस्तेमाल नहीं करती। तो जी शेजान वालों का जूस इनको पिला दिया जो कि अहमदिया कंपनी, अहमदिया की कंपनी है और उसके यानी कि कादियानी जो है उनकी कंपनी है और उसके ऊपर मौलाना साहब का जो हज था वो उनके हिसाब से खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी ये पीआईए वालों ने बड़ा जुल्म किया है कि उनको इन काफिरों का बनाया हुआ जूस जो है वो दे दिया। तो मौलाना को ये कहना चाहती हूँ कि जिस जहाज में बैठकर आप गए थे उमरा करने या हज करने सॉरी, तो वो भी काफिरों ने बनाया था, जिस कैमरा के आगे खड़े होकर या मोबाइल के आगे खड़े होकर आप वीडियो बना रहे थे वो भी काफिरों ने बनाई थी, और जहाँ पे जिन गाड़ियों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जब ट्रैवल करते हैं ना इधर से उधर इस मदरसे से उस मदरसे अपने भाषण देने के लिए वो भी काफिरों की बनाई हुई है, और यहाँ तक के जो कपड़े पहन के आप खड़े हैं और जो परफ्यूम आप लगाते हैं और इस किस्म की बेशुमार चीजें एसी और टीवी और माइक्रोवन और इस किस्म की जितना सामान आपके घर में रखा है वो भी काफिरों का बनाया हुआ है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि ये सारी चीजें उठाकर आप फेंक दीजिए, आप चले जाइए कहीं पहाड़ी पे और वहां बैठकर और बस आपने जो पढ़ना है अपना पढ़ना वढ़ना वहां पे कीजिए, इसलिए कि दुनिया में तो सब चीजें काफिरों की बनाई हुई है, आपने तो कुछ बनाया नहीं है सिवाय फूकों के, और उन फूकों का जो है वो किसी को कोई फायदा नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर इस किस्म की जाहिल मौलवियों की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि या हुआ करते थे, जैसे कि एक हमारे ऑथर थे बड़े जबरदस्त मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो हैं वो इन मौलवियों के बारे में क्या कहते थे, मैं उसे 100% एग्री करती हूँ। सांपों के बारे में नियाज फतेहपुरी ने ये कहा है कि सांपों और मौलवियों की बेशुमार किस्में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज सांप जहरीले नहीं होते। जी हाँ,
ये थे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो जो कहा करते थे कि जी सांप और मौलवियों की बेशुमार इकसाम है, बेशुमार टाइप के, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ सांप जो है वो जहरीले नहीं होते। लेकिन ये बात 100% जो है मैं एग्री करती हूँ, बल्कि शायद जो ऑडियंस थी वो भी शायद एग्री कर रही थी, इसीलिए तो तालियां बजाई जा रही थी। मगर खैर, इन लोगों को कौन समझाए और कौन बताए इनको, तो बताना या सिखाना जो है वो समझे बहुत ही मुश्किल काम है। बहर हम जी आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये बताते चले कि इमरान खान के फेवरेट उस्मान बुज़दार को नैब ने गिरफ्तार करने का फैसला किया है। जी हाँ, ये उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, ये इमरान खान के ज़माने में पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे और कहा यही जा रहा है बड़ा पैसा बनाया है इन्होंने। लेकिन अब वो वही जो बुशरा बीबी और गोगी जो हुआ करती थी, उनकी फ्रेंड फरा गोगी, उनके साथ मिलके सुना है बहुत पैसा बनाया है इन्होंने। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने कहा है कि जी अरेस्ट कर किया जाएगा और उसके बाद जाहिर है केस चलेगा, फिर देखते हैं बाहर आते हैं या बाहर नहीं आते। लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि जी ज़रई असलात से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी एक साल में दुरुस्त सिमत में आ जाएगी, पाकिस्तान के बारे में मायूसी की बातें करने वाले जो हैं वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कहना है जी आर्मी चीफ का। और बार बार हमें ये भी बताया जाता है कि पंजाब में तो कभी कहीं और कभी कहीं जो है वो ज़रई ज़मीन जो है वो फौज के हवाले की जा रही है ताकि वो कुछ खेती बाड़ी कर लें। मुझे वैसे समझ नहीं आता, शायद यही वजह है कि अब लोगों ने आर्मी का नाम जो है वो महकमा ज़रात रख दिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो खैर ये करते ही रहते हैं, अब ये इन्होंने नया काम शुरू किया है। मगर अब कुछ कहें तो जी उस पर बड़ा बुरा मनाया जाता है कि जी ऐसे क्यों कह दिया, लेकिन अपनी बातें जो हैं वो भी कुछ थोड़ी सी बेहतर कर ले तो ही अच्छा होगा। लेकिन खैर अब ये भी कहना है आर्मी चीफ का कि जी ज़रई ज़मीन जो है अब ये भी क्योंकि फ़ौज लेती जा रही है और फौज उस पर भी बकौल फौज के काम करेंगे। अब जी उन्होंने कह दिया तो कह दिया जी, उनकी तो वही बात है ना कि एक बार जो उन्होंने कह दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते, जैसे हमारी तो कभी भी नहीं सुनते सिविलियंस की, लेकिन खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन आप देखते हैं कि इस चीज़ को आगे लेकर किस तरीके से फौज जाती है। लेकिन बात हम करेंगे क्रिकेट की, पाकिस्तान श्रीलंका पहला टेस्ट जो है वो जी 16 जुलाई से खेला जाएगा, और इसके लिए कौमी क्रिकेट टीम जो है वो पहुंच गई है जी श्रीलंका के लिए, जो है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है। और ये श्रीलंका वाले शायद वही है ना जिनके ऊपर हमने फायरिंग शायरिंग की थी, वो हेलीकॉप्टर पे बिठा के उनको भगाया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो जी हाँ, लेकिन ये कि इस बार उन्होंने कहा होगा चलो तुम ही लोग आ जाओ खेलने के लिए, हम तो नहीं आ रहे, आपको आना है तो आप आ जाइए, तो कुछ इसी किस्म का सीन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर बात हम करेंगे नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब का कहना ये है, वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं। वाह जी वाह, नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वतन वापसी पे यानी पाकिस्तान वापसी पे अगर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं है। तो सर अगर परवाह नहीं है तो फिर आप 3-3.5 साल से जो है वहाँ लंदन में पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये लोग जो है वो कहते हैं कि जी आप आएंगे नहीं जब तक ये वाले जो चीफ जस्टिस हैं बंदियाल साहब, जब तक ये नहीं हट जाएंगे। और आपकी मर्जी के चीफ जस्टिस साहब यानी के काजी फायजी साहब जब तक नहीं आ जाते तब तक आप नहीं आएंगे। सब पता नहीं कौन लोग ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं, वरना मुझे तो पता है आप जरा भी नहीं डरते। जो 3-4 साल से आप लंदन बैठे हुए, तो वो तो वैसे ही सर आपका ट्रीटमेंट चल रहा था ना, आपने कहा था ठीक है ना, तो इस वजह से आप वहां पर थे, बार बार आपको फ्लू हो जाता है तो शायद इस वजह से आप वहां पर थे। बाकी तो ये बातें जो की जा रही है कि आप आएंगे जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है और वो इमरान खान के साथ है, तो इसलिए जब तक वो हटेंगे नहीं आप आएंगे नहीं। और आप आएंगे जब जस्टिस काजी फायजी साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन गए होंगे, जो आपके हक में फैसले देते हैं या आपके साथ है या आपको पसंद करते हैं सर, तो मेरे ख्याल आप तब आएंगे। लेकिन ये खबरें भी ना गलत लोग ही फैला रहे हैं, मेरे ख्याल लोगों को बातें करने देना चाहिए। हम एक वीडियो देखते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और पता नहीं इनको हमारे रोने की आवाजें क्यों आ रही है। लेकिन खैर मैं मोदी जी की वीडियो नहीं दिखा रही थी, मैं आपको वीडियो दिखा रही थी ये। टुडे माय टॉपिक इज थ्रेड, ए टॉपिक इज मार्कर जरकर बर्गर एंड
उर्फ मार्कू। माई मैसेज मार्कू इज नॉट ब्यूटिफुल मैन इज दिस चीटर मैन इज। ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, ये कॉपी करता है। नॉट गिव मी ब्लू टिक इज वाई। क्यों मुझे ब्लू टिक नहीं दिया मार्कू ने, बट वाई पूछे क्यों। दिस मनी गिविंग ब्लूटूथ टिक गिविंग, मतलब के पैसे दो और ब्लू टिक लो। दिस कॉपी इज एलन मस्क। दिस ये कॉपी की उसने एलन मस्क की, थ्रेड भी बनाया एलन मस्क का थ्रेड ऐप ऑन ट्विटर कॉपी इज, ये ट्विटर की कॉपी है। रील इज टिकटॉक कॉपीज इंस्टाग्राम फेसबुक। आई अंडरस्टैंड इज, मैं समझता हूं मार्कू योर चीटर इज नॉट ब्लू टिक गिव मी इज वाई। योर आई एम योर मनी गिविंग योर मी ब्लू टिक गिविंग, मैं तुम्हें पैसे दू तुम मुझे ब्लू टिक दोगे। नॉट आई एम सक्सेसफुल मैन इज, मैं एक कामयाब और काबिल इंसान हूं। यूर माई फ्री ब्लू टिक गिव मी, तुम मुझे फ्री में ब्लू टिक दोगे। योर स्टोरी कॉपी ऑन स्नैपचैट, तुमने स्टोरी लगाई और स्नैपचैट की कॉपी की। योर चीटर इज, तुम हर किसी की कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हो। नो योर नॉट रियल कंटेंट इज, तुम्हारा अपना कोई कंटेंट नहीं है। तुम चोरी करते हो दूसरों का कंटेंट फिर उसमें से कमाते हो। आई एम रियल मैन इज क्रिएटर, मैं एक रियल क्रिएटर हूं, मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं। यू आर नॉट एप यूर इज, तुम्हारी कोई अपनी एप नहीं है। यू आर चीटिंग मार्कू, यू आर माई फ्रेंड। खैर अब ये कौन साहब थे पता नहीं मुझे, तो भी समझ नहीं आ रही कि ये इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, लेकिन कोई सिंधी सा एक्सेंट था इनका, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान से ही होंगे। खैर यहाँ से हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और जाते जाते हम आपको ये बता दें कि शहजाद अकबर साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े चहीते रहे, इमरान खान साहब के लिए डिफरेंट लोगों के ऊपर केसेस भी बनाया करते थे, नवाज शरीफ साहब को भी बुरा भला बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते थे, आजकल तो खैर भाग गए कहीं अमेरिका या कैनेडा या यूके। उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं, पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। जी हाँ, इनका कहना यह है कि जी बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सालत के जिम्मेदार हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं। बहरहाल कहानी में ट्विस्ट आता जा रहा है और ऐसा ऐसा करके पीएमएलएम के ऊपर से एक एक करके सारे एलिगेशन हटते जा रहे हैं। इससे लग तो ये रहा है कि भाई लोग इन्हीं को लाना चाह रहे हैं, मगर खैर देखते हैं कि क्या होता है। हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिएगा, और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।